आईडी हमने तुम्हें दे दी थी। देखो ना मेरे पासपोर्ट दे ना हमें बताए और ना मेरे मोबाइल नंबर हटाए वही में लगे तुम्हारे और जो बुकाना पैसन वालों जो वामा काम भू सब तुम्हारे ना मेरे ना वामा कछू ना सिर्फ आईडी आईडी हमें मिली जो बात है सो सही। हम तो जा का हम ला तुम्हारे एक दाना ला तुम्हारे दस दाए पांच हो जिंदगी भर छो है तुम हम तो बुराई कर लियो तब तुम्हारे पांच हो मेरी आत्मा जो तुम आओ बेच रहे हो हम तो प्रेम हमने तुम्हें आईडी दे थे कि लो सुभान तुम चलाओ तुम हो सही हम तो जा कहते तुम चुप पर आप से एक भैया नहीं नहीं पूरी बात सुनो जा कहते कि हम चलाए जा आईडी आप कंप्लेन करो जाके ना एफआईआर करो जाके और हमारा नाम बर्बाद हमारा नाम बर्बाद करियो ना हम कानूनी कार्रवाई कर बे आरोप तो आप लगा रहे हो। 31 तारीख को एक बच्चे की ताली ने सब कुछ बताया हमने कोई गलती की है डंके चोट पे बोल रहे आप एफआईआर करिए। ये जो दो रूप है इनके सामने आते ना दूसरे कैमरे पे कोई और हमारे कैमरे पे कुछ और देख लीजिए ये है आपकी राधा दीदी दूसरे के चीज के लिए देख ले ये है राधा दीदी आज से इन्हें दीदी मतलब शर्म आ रही है ना कहा दीदी मारे काका जरूरी है अब पैसों तुम दीदी कौन सी रही हो भाई नाम करने की कोशिश की हम कानूनी कार्रवाई करेंगे हमारे खिलाफ उसके दूसरे कोई वीडियो आ गई कानूनी कार्रवाई करेंगे हर एक चीज दे चुके हैं। तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर अंशु सर के टिप्स पर। तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि सेवाएं दीदी सही हैं या राधा दीदी सही हैं। तो भाई यूट्यूब पे पता क्या है अभी व्यू का बवाल चल रहा है। अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो बना के डालोगे तो आपके हजारों में व्यू आ जाएंगे सब्सक्राइबर भी आपको मिल जाएंगे ठीक है ये बात तो ठीक है। तो मैं अभी क्या है यूट्यूब में देख रहा था ठीक है तो मैंने सोचा कि शायद ये वीडियो जो है बंद हो गई होगी कि यूट्यूब पे सेवाएं दीदी ने मेरा चैनल हैक कर लिया या उन्होंने मेरा चैनल नहीं दिया वापस या मैंने उनका चैनल दे दिया है। तो मैं अभी देख रहा था तो एक बंदा आया इनके पास और ये थंबनेल में लिखा है इन्होंने कि मेरा बिजनेस अकाउंट इन्होंने हैक कर लिया है ठीक है बट वो हैक नहीं हुआ है उन्होंने जो बन टैप आता है ना जो यस टैप करने के लिए आता है वो इनके पास नोटिफिकेशन आया था सिर्फ अगर आप उसको यस नहीं करोगे तो आपके पास नहीं आएगा ठीक है। और मेरे तो बात ये समझ में नहीं आ रही है चलो वो मानता हूँ मैं बिजनेस अकाउंट है आपका ठीक है जब मैं मुझे पासवर्ड नहीं पता होगा उसका ठीक है बिजनेस वाला अकाउंट है मुझे उसका पासवर्ड नहीं पता होगा तो मैं उसको स्टेप वाले पे कैसे भेज सकता हूँ उसको जब तक आप उसका पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक ये स्टेप वाले पे नहीं जाता है ठीक है ये बात क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे राधा दीदी बिल्कुल भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है कि हमारा इन्होंने चैनल हैक किया है। अगर आपका ये बिजनेस अकाउंट हैक कर रहे हैं ना तो अपना नया बिजनेस अकाउंट आप बना लो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी ना बिजनेस अकाउंट ही आपको बनाना है आप एक नया ईमेल आईडी बना के और हर एक वीडियो पे डाल दो आप ठीक है ज़्यादा वीडियो नहीं है 4-5 वीडियो आपका है आराम से डल जाएगा। अगर आपको नहीं डालना आता तो मैं डाल दूंगा कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी आपके यहाँ पे लोग आते हैं 2-3 दिन रुक के जाते हैं तो वो लोग आराम से आपको जो भी मदद होगी आपको वो कर देंगे हमारी तो नहीं पड़ेगी आपको। और अभी इन्होंने आज ही एक वीडियो डाला था और वो बोल रही हैं कि भैया मेरा चैनल जो एडसेंस है वो अभिषेक की जीमेल से बना है तो मेरी मदद कीजिए। दीदी एक बात मैं आपको बता दूं जब आपका चैनल मोनेटाइज हुआ था ना ठीक है उस दिन वहाँ पे एडसेंस में चेंज का ऑप्शन आता है एडसेंस आप चेंज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो तो उसमें चेंज का ऑप्शन आता है कि आपको वो एडसेंस चेंज करना है या नहीं करना है तो आप आराम से वहाँ से चेंज कर सकती थी जब आपको पता है कि आपका एडसेंस अकाउंट नहीं लगा है वहाँ पे तो आप एडसेंस अकाउंट चेंज कर देती अपने नाम से बना लेती अपने नया जीमेल आईडी से बना लेती। यूट्यूब पर ये जरूरी नहीं होता है कि आपका जो चैनल जिस आईडी से बना है उसी आईडी से आपका एडसेंस बना हो आप एक नया आईडी बनाती उससे अपना एडसेंस बना लेती फिर वहाँ से उसे लिंक कर देती तो उनका जो एडसेंस बना था वो बेकार हो जाता आपका जो एडसेंस है उससे आपका जो भी डॉलर होते उसमें आते। फिर ये बोल रही है पता क्या उन्होंने अपना अकाउंट लगा रखा है उन्होंने सारा का सारा प्रोसेस कर रखा है भैया जब तक आपका पिन नहीं आएगा तब तक आपका अकाउंट नहीं लगेगा उसमें जब तक आपका पिन है जो वो नहीं आता तब तक आपका उसमें अकाउंट लगेगा ऑप्शन ही नहीं आता है पहली बात मैं आपको बता दूँ। तो आप ये चीज़ तो बनाने ही बंद कीजिए भाई कि हमारा चैनल उन्होंने हैक कर लिया वो चैनल वापस नहीं कर रही हैं और जो अभिषेक भैया हैं वो हमें मारने की धमकी दे रहे हैं ये है वो है। देखो मैंने उनका वीडियो देखा था 17 मिनट का था ठीक है तो उन्होंने ये जरूर कहा था कि मेरे अगर आप ऊपर वीडियो बनाओगी जैसे अभिषेक ये चैनल हैक किया है
इस अगर टाइप की वीडियो आप बनाओगी तो मैं आपको एक्शन लूँगा, ठीक है, साइबर क्राइम में भी एक्शन लूँगा और जो हमारा कानूनी कार्रवाई होगी वो भी मैं करूँगा। ये बोला था उन्होंने, ये नहीं कहा था कि मैं आपको पर्सनली आपको मार दूँगा, ये वो कर दूँगा। तो ये राधा दीदी बहुत ही गलत बात है आपकी कि आपको जिसने उठाया है इतना, ठीक है, इतना सम्मान दिया है, आप उसी के साथ ऐसा कर रही हो, ये चीज़ गलत है आपकी। आप क्यों कर रही हो कि आपके पास लोग मिलने आते हैं, पर्सनली मिलते हैं लोग, आप उनको खाना खिलाती हो। दीदी आपका चैनल ऐसे नहीं चलेगा, जब आप ऐसी वीडियो बंद कर दोगी तो आपके व्यूज नहीं आएंगे बिल्कुल भी। और जो ऐसी वीडियो बनाने के लिए लोग रिकमेंड करते हैं ना, उनको तो बताओ मैं क्या कहूँ, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है कहने के लिए। भाई कुछ आपको बताना है ना तो आप बताइए कि भाई आप ऐसे ब्लॉगिंग कीजिए कि आपका जो फेस है वो थोड़ा सा साइज में रहे, सेट रहे, आवाज़ क्लियर आए, तो ठीक है। भाई इसका चैनल हैक हो गया, उसका चैनल हैक हो गया, उसका चैनल पे स्ट्राइक मार दी, आपने क्या ठेका ले रखा है चैनल पर? एक वीडियो हो गया, दो वीडियो, तीन चार हो गया, पाँच हो गया, लिमिट होती है हर वीडियो की, ये थोड़ी भाई वीडियो बना के बार बार डाल दो। अभी इनके सिर्फ दो वीक हुए हैं, ठीक है, और ये बोल रही हैं कि जो हमारे डॉलर हैं वो सब आपसे के खाते में जाते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूँ, देखो अगर जैसे इस मंथ का है ना, तो इस मंथ का पहले तो आपका जो यूट्यूब अकाउंट है उसमें जाएगा डॉलर, यानी बाइटी जो स्टूडियो होता है उसमें आपका अकाउंट में जाएगा, ठीक है। फिर उसमें के बाद क्या होगा, 21 जब 21 तारीख आती है ना, जो पिछले महीने का होगा जैसे दिसंबर का है, वो जाके जनवरी में ऐड होगा, जाके एडसेंस में, इस महीने में नहीं हो जाएगा, दिसंबर का होगा, वो जनवरी में ऐड होगा। फिर जो दिसंबर में आएगा ना आपका, जैसे दिसंबर में आपका $16 बन गया, फिर वो जनवरी में आएगा आपके 21 से 26 तारीख तक आपका पेमेंट उसमें कटता है एडसेंस से, फिर आपका 26 के बाद आपका अकाउंट में आ जाता है। तो आप उसको एडसेंस को चेंज कर दो ना, कहानी ख़त्म हो जाए बिल्कुल भी, उसके पास भी कोई पिन ही नहीं आएगा तो वो वहाँ से कहाँ से वेरीफाई कर पाएगा। तो राधा दीदी आप बहुत गलत हो, बहुत ही गलत हो, बहुत ही घटिया औरत है ये। पता क्या बोलती है कि मैंने इनके घर पर काम किया है इसलिए हमें ये 5,000 रुपये देने की बात कर रही हैं। भैया काम किया है तो वो ब्लॉग में आपको दिखाना चाहिए था ना कि हाँ मैं यहाँ पे काम करती थी, यहाँ पे ये काम किया। उन्होंने अभी कभी तक ऐसा ब्लॉग में नहीं दिखाया कि राधा दीदी यहाँ पे काम करती हैं। और राधा दीदी क्या है पता, अपने ब्लॉग में बहुत ही चपट चपट बोलती हैं लेकिन शिवानी की ब्लॉग में बिल्कुल नहीं बोलती हैं। इस बात से मुझे बहुत दिक्कत है, जब भी वो ब्लॉग शूट करने आती हैं तो हाँ हाँ भैया, हाँ भैया सपोर्ट करोगे तो बन जाएगा, ये है वो है, भैया प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ये चीज़ से सब्सक्राइब थोड़ी बढ़ेंगे। अभी मैं भी ऐसे कर दूँ, भैया मैं बहुत गरीब हूँ, भैया देखो मेरी हालत देखो, अगर ऐसे आप सभी लोग करने लगे तो बस ड्रामा बन जाएगा ना यूट्यूब पर। यूट्यूब पर लोग क्यों आते हैं कुछ देखने के लिए, तो आप उनको क्या दिखाओगे, भैया मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, हम बहुत गरीब हैं, सेवानी मेरा चैनल हैक कर लगे जुए फलानो ठिकानो। तो ऐसे चैनल ग्रो आपका नहीं होगा, आप कुछ नया दिखाइए ब्लॉग में जैसे लोग दिखाते हैं। तो मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि ऐसा वीडियो बनाना बंद कीजिए, अब बहुत दिन हो गए आपको ऐसे सब्सक्राइबर और व्यूज खींचते खींचते, और आपसे जो लोग मिलने आते वो भी आप जो आपसे लोग मिलने आते हैं वो भी ऐसी वीडियो बनाते हैं कि शिवानी ने गलत किया इनके साथ, कि इनका चैनल वापस कर दो, ये वो है। जब उनको चैनल मिल गया वो अपलोडिंग कर रही हैं तो फिर चैनल किस बात का देना भाई, जब उनको चैनल अपलोडिंग कर रही हैं सब कुछ कर रही हैं फिर क्या दिक्कत है। अगर आपको दिक्कत है चैनल हैक किया है उन्होंने, साइबर आता है एक साइबर, ठीक है, उसमें जाइए कार्रवाई कीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए। अगर आपके पास चैनल नहीं होगा तो वो आपको दिलवाएंगे चैनल, रोने धोने से काम नहीं चलेगा, बस व्यूज ले लो, डॉलर बन जाएंगे और रुपये निकल आएंगे, ऐसा थोड़ा ही होता है यूट्यूब पर। तो आपसे मैं एक ही बात करना चाहूँगा कि आज के बाद ऐसा वीडियो ना बनाएं। पहले मैंने भी मना कर दिया था, चलो हमने सोचा था चलो ऐसी वीडियो नहीं बनाएंगे, अब वो बना दिया था, वो 8,000 चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं बनाएंगे। बट मैंने आज जब इनका वीडियो देखा, भाई मेरा चैनल हैक कर लिया है, ये वो कर लिया है, ये कर लिया है, आप उसे ईमेल आईडी को चेंज कर दो ना, दूसरी आईडी लगा दो उसमें ब्रिंस वाले में, क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसा नहीं करोगे चैनल हैक किया वो किया ये किया अभी ये कर दिया वो कर दिया। अभी मैं आपके अपने मोबाइल में अगर किसी का पासवर्ड डालता हूँ और ये स्टेप के लिए भेज देता हूँ कि भाई देखिए इन्होंने मेरे चैनल हैक करने की कोशिश की है, ऐसे थोड़ी हैक हो जाता चैनल। जब तक आपको उसका पासवर्ड नहीं पता होगा और रिकवरी नंबर कौन सा लगाया तब तक आपका चैनल हैक नहीं होगा। तो ये चीज़ बंद कर दो, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, और मैं फुल सपोर्ट करता हूँ शिवानी जी को क्योंकि वो सही हैं। और ये राधा क्या है भाई, नौटंकी बाज, भैया मैं चैनल सब्सक्राइब कर दो, वो कर दो, ये कर दो, फलाना ठिकाना। शिवानी राइट है, ठीक है, सही है बिल्कुल अपनी जगह पे, और जो उन्होंने जितना किया है वो शायद ही कोई करेगा। अभी आपसे
अभी आपके पास लोग क्यों मिलने आते हैं, क्योंकि आपका वीडियो वायरल ज़्यादा होता है, उनका भी वीडियो चल जाता है, जैसे मेरा चल जाता है उनका भी चल जाता है, इसलिए लोग आपसे मिलने आते हैं। तो ऐसा वीडियो मत बनाइए आप। और ये टेक्निकल अमन है ना, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। वो मेरे पास कमेंट कर रहा था कि जब तुम यहाँ पे आओगे तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। भाई मैं क्यों आऊँ वहाँ पे, मैं क्यों आऊँ मिलने के लिए? आपको बड़ी स्टार हो गया, मैं आपसे मिलने आऊँ वहाँ पर, अपना टाइम खराब करूँ, अपना किराया खराब करूँ, मैं क्यों मिलने आऊँ आपसे? अगर आपके पास सच्चाई है तो उसको प्रूफ दिखाइए ना आप, हाँ कि इसमें सच्चाई है थोड़ी सी। आपके पास प्रूफ है नहीं, बस भैया ये किया उन्होंने ये किया और धमकी दे रहे हैं मानने के लिए। अगर आपको कोई पूछ रहा है तो ये थोड़ी आपको धमकाने के लिए मारने के लिए पूछ रहा है कि कहाँ पे हो, कि मैंने यहाँ पे एड्रेस गलत बता दिया है, कि वो मुझे मारने चाह रहे थे। तो आप उसकी देखो ये चीज़ पूछ रहे हैं ना आपसे, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कीजिए आप, कॉल रिकॉर्डिंग सिलाई सब लोगों को, तभी आपको विश्वास करेंगे ना। ऐसे थोड़ी विश्वास कर लेंगे कि हाँ उन तुमने कह दिया और हम लोग मान लेंगे, हम क्या पागल हैं, चूतिया दिख रही है आपको, जो आपकी बात मान लेंगे हम हैं? जब वो प्रूफ दिखा रही हैं, सारा के सारा मैंने इनको चैनल दे दिया है, अब आपके साथ कुछ भी हो हम क्या करेंगे उससे? हमने आपको चैनल दे दिया, आपका हैक हो या कुछ हो जाए हमें उससे मतलब नहीं है। अब फिर भी आप भाई वीडियो बना के डाल रही बार बार, भाई वीडियो भाई वीडियो भाई वीडियो, व्यूज आते हैं तो भाई वीडियो फिर बना देती हैं कि इन्होंने चैनल हैक करने की कोशिश की, बुक की। और जो लोग इन लोग को सपोर्ट करते हैं वो तो बहुत ही बेकार लोग हैं। भैया मिलने जा रहे हो तो मिलो आप आराम से, ये थोड़ी राय दो कि भैया ऐसी वीडियो बनाओ, थंबनेल ऐसा लगाओ, कि ऐसा करो वो करो, खुद को पता नहीं होता कि हाँ भाई क्या लगा है इसमें। अभी आप सबको अपना चैनल दिखा रही हो, पासवर्ड भी दिखा रही हो, अभी वो घर पे जाएंगे आईडी आपकी खोलेंगे, फिर क्या कर लोगे आप? आपको इतनी जानकारी तो है नहीं, बिल्कुल पढ़ी लिखी तो हो नहीं कि मैं वहाँ पे कंपनी में काम करूँगी तो मुझे 5-6 हज़ार से रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे। तो करो ना जाके, किसने मना किया है कंपनी में काम, करो जाके काम। वही चीज़ है कि हाँ जब तक मतलब आप वायरल नहीं थी तब तक कुछ नहीं, और जो भी वायरल हो गई कि हम अगर वहाँ पे दिल्ली में काम करेंगे तो हमको 10,000 रुपये मिल जाएंगे महीने पे, और तब 10,000 रुपये कहाँ थे जब आपका ये वीडियो वायरल नहीं हुआ था, तब भी चली जाती ना दिल्ली, करती काम आराम से। वही चीज़ है ना, जब तक पब्लिक आपका सच्चाई नहीं जान लेगी तब तक आप शांत नहीं होगी। अभी आपका वीडियो चल जाता है तो आप बहुत खुश होते हैं ना मन ही मन में, ये चीज़ आपकी गलत है। बस इमोशनल मत दिखाइए किसी को, मैं भी इमोशनल पहले हो जाता था लेकिन अब नहीं होता हूँ आपके जैसी वीडियो देख के, बिल्कुल घटिया नंबर एक की वीडियो है आपकी है। उन्होंने कुछ करके दिखाया है तभी उनके फॉलोइंग इतनी है, आपकी फैन फॉलोइंग थोड़ी है। आपसे लोग क्यों मिलना आते हैं? कि उनका चैनल मोटा जाए, इसलिए अगर आपकी वीडियो डालेंगे तो उनका बहुत टाइम आएगा और सब्सक्राइबर आएंगे, मोटा जाए चैनल उनका, उन्हें फ़ायदा ही है। टेक्निकल अमन, अगर ये मेरी तो वीडियो देख रहा है ना तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, भाई आपका जो कमेंट है ना बंद क्यों करते हो? कमेंट खोलो ना उसको, कमेंट खोलो उसको, मैं जैसे कमेंट खोल रखा हूँ कमेंट खोली, जो पब्लिक की ओपिनियन होगी वो आपको कमेंट करके देंगे, पब्लिक की ओपिनियन होती है वो कमेंट ही बंद कर देते हैं। वाह भाई वाह, धन्य हो। तो भैया हम चलते हैं, बस यही वीडियो हमारी थी जो भी थी, और जो भी सच्चाई है आप लोग कमेंट कीजिए क्या सच्चाई है, ठीक है? मुझे तो लगता है कि शिवानी दीदी सही है, राधा तो बस नाटकबाज है, धोखेबाज है बिल्कुल भी, कि जिस थाली में खाया उसी में जेद कर दिया, यानी जिस थाली में खाया उसी में जेद कर दिया, ये चीज़ गलत है।